नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार एक बार फिर से आपका एसपीएल स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल को आपने जो प्यार दिया है उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। आपके सहयोग के बिना इस चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर होना मुश्किल था। उम्मीद करता हूं कि आगे भी आपका प्यार और सहयोग इसी तरह से इस चैनल के साथ बना रहेगा। दोस्तों, हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्लास 10 के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्यूशन कर रहे थे। एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। इस क्वेश्चन का अर्थ क्या हुआ कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ए, सेक ए और टैन ए, इनको ऐसे फॉर्म में चेंज करना है कि इनके इक्वल केवल कोट ए का वैल्यू आए। इसके सॉल्यूशन में हम लेते हैं। अब ये हमें मालूम है कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यहां लिख लेते हैं, वी नो दैट कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम पढ़ चुके हैं, और कोसेक इक्वल टू 1 बाई साइन ए, तो इसे हम कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर इधर चला जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। ये साइन स्क्वायर ए, जबकि हमें चेंज करना है साइन ए को, तो स्क्वायर को हटाने के लिए राइट साइड में स्क्वायर रूट कर देते हैं, 1 बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1, तो साइन ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाई रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये जो साइन ए था अब केवल ऐसे टर्म में चेंज हो गया जिसमें केवल कोट है। तो यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था। दूसरा, सेक ए को चेंज करना है, सेक ए को भी कोट ए में चेंज करना है। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यहां भी लिख लेते हैं, वी नो दैट सेक को कन्वर्ट करना है तो टेन को हम चेंज कर लेते हैं, 1 प्लस टेन 1 बाई कोट, टेन रेसिप्रोकल होता है कोट का, तो टेन स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाई कोट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, कोट स्क्वायर ए, तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 ये इक्वल टू आया सेक स्क्वायर ए। सेक ए इक्वल टू निकालना है तो सेक ए इक्वल टू हो जाएगा इस पूरे टर्म का स्क्वायर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कोट स्क्वायर ए। अब कोट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट करेंगे तो कोट ए और इस टर्म का स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, तो इसे स्क्वायर रूट में रखेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कोट ए। तो ये सेक ए को चेंज कर दिए ऐसे टर्म में जिसमें केवल कोट ए है। थर्ड, टेन ए को कोट ए में चेंज करना है, तो हम जानते हैं कि टेन ए, टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं टेन ए इक्वल टू 1 बाई कोट ए। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।